अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन मलाई टिक्के की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी बनने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, तो इसे बनाना बहुत आसान है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन मलाई टिक्के की रेसिपी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन लिया है और गैस को ऑन कर लेंगे। अब पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें एक चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 250 ग्राम बॉयलेस चिकन ऐड करूंगी। साथ ही में मैं इसमें एक बड़े चम्मच बटर मसाला पेस्ट ऐड करूंगी। 4 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह दरदरा सा कूट के रखा है, उसे भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन का कलर चेंज होने तक इसे अच्छे से भून लेना है, ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो भी इसमें से रिलीज हो जाए और चिकन भी हमारा बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो जाए। इसे हमें तब तक अच्छे से पका लेना है। इसमें मैं पानी वगैरह का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि चिकन का ही इतना पानी रिड्यूस करता है कि उसमें हमारा चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो इसमें हम पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। चिकन जल्दी से पक जाए इसलिए मैं इसमें एक चम्मच नमक भी ऐड करूँगी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं चिकन का कितना सारा पानी रिड्यूस हो चुका है। इसी में चिकन जो है हमारा अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो बिल्कुल हमें पानी को अच्छे से ड्राई कर लेना है और इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेना है चिकन को। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन का जितना भी पानी था वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और चिकन भी बिल्कुल हमारा अच्छे से पक चुका है। देखिए, अब मैं यहाँ गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूंगी। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी इसके रेशे अलग कर सकते हैं। तो अब मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। मैंने यहाँ चिकन को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो इसको हाथों की मदद से भी अलग कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक बाउल ले लिया है, अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बॉईल किए हुए आलू, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, ये फ्रेश है, पुदीना, 2 चीज क्यूब ली थी इसे भी मैं ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अमूल की फ्रेश क्रीम इसे भी ऐड कर देंगे। नमक स्वादानुसार, नमक का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने चिकन को बॉईल करते समय भी नमक का इस्तेमाल किया था और चीज में भी नमक होता है, तो नमक कम ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, ताकि जो हमने मैरिनेट किया मसाला है ये अच्छे से सेट हो जाए और जब हम इसकी टिक्की बनाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से इसकी बाइंडिंग बन जाए। तो इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। आधा घंटा हो चुका है, मिश्रण भी हमारा काफी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी टिक्की बना लेंगे। तो टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तेल की मदद से। इस तरह इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लूंगी। आप अपने हिसाब से टिक्की छोटी या बड़ी बना सकते हैं। इस तरह हाथों पे होल कर लेंगे इसे और इस तरह हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस कर लेंगे और इसकी जो साइड से इसे इस तरह राउंड करते रहेंगे ताकि अच्छे से टिक्की का शेप आ जाए। इसमें आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी टिक्की बना सकते हैं। देखिए, इस तरह मैंने ना ज्यादा मोटी और ना ही ज्यादा पतली टिक्की बनाई है, बिल्कुल इसी तरह एक एक करके सभी टिक्कियां तैयार कर लेंगे। एक एक करके मैंने सभी टिक्कियों को तैयार कर लिया है, अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग के लिए यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है, इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे।
यहाँ मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तो अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉर्नफ्लोर में एक चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, एक बार नमक ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसका एक पतला घोल तैयार कर लेना है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला, मीडियम घोल तैयार कर लेना हमें। देखिए इसकी थिकनेस इस तरह की रहनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी, बिल्कुल इसी तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। घोल भी हमारा तैयार है, आप इस तरह टिक्की को इसमें ऐड करेंगे, इसकी मदद से इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से कोटिंग कर लेंगे कॉर्नफ्लोर की। डाल लेना है इसमें ब्रेड क्रम में से ऐड कर देंगे, इस तरह हाथों की मदद से ब्रेड क्रम इसके ऊपर ऐड करेंगे, इस तरह चारों तरफ अच्छे से इसे ब्रेड क्रम इसके ऊपर कोट कर देंगे। इसी तरह अच्छे से ब्रेड क्रम को चारों तरफ से कोट कर लेना है, एक एक करके सभी टिक्कियों को कोट कर लेंगे। एक एक करके मैंने सभी टिक्कियों को अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप इफ्तार के लिए बना रहे हैं तो आप इसे तुरंत भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैं इसे सेट करने के लिए रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है और सभी टिक्की हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने पैन में पहले ही ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके सभी टिक्कियां ऐड करूंगी। हमें इसे शेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। एक करके सभी टिक्कियों को ऐड करेंगे, इसे हम दो बैचेस में फ्राई करेंगे। इसको हम एक से दो मिनट टच नहीं करेंगे और दो मिनट बाद जब ये अच्छे से एक साइड से शेलो फ्राई हो जाए फिर हम इसकी साइड को बदल देंगे। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो बहुत सा ऑयल जो है हमारे टिक्कियों में ऑब्जर्व हो जाता है, तो यहाँ आप जब ऐड करने के बाद अगर आप गैस की फ्लेम को लो रख देंगे तो उससे बहुत ही ज्यादा ऑयल जो है वो हमारी टिक्कियों में ऑब्जर्व हो जाएगा। इसीलिए ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद जब टिक्की आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है और हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम पे नहीं करना है वरना तेल जो है वो बहुत ज्यादा टिक्कियों में ऑब्जर्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये एक साइड से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसकी साइड को बदल दूंगी। केयरफुली हमें इसकी साइड को बदल देना है। इतना प्यारा कलर आया है इसका, अभी हमें दूसरे साइड से भी इसी तरह गोल्डन फ्राई कर लेना है। ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। और इतना प्यारा कलर आया है, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। बन के तैयार है चिकन मलाई टिक्का, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। मिलते हैं इसी तरह की नई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।